जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। बरगद का पेड़ खोल सकता है आपके तरक्की के द्वार, बस वास्तु के अनुसार कर लें यह उपाय। भक्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज अपने YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ बगलामुखी की कृपा सदा सदैव के लिए आप पर बनी रहे, ऐसी मैं माँ बगलामुखी से कामना करता हूँ। बरगद का पेड़ लंबे समय तक अक्षय रहता है, इसलिए इसे अक्षय वट भी कहते हैं। अक्षर मंदिरों में या तीर्थ स्थलों में बरगद का पेड़ इसलिए लगाया जाता है, इसमें माना जाता है कि देवी देवताओं का वास होता है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए वट वृक्ष के पेड़ की पूजा करती हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया जाता है। बरगद के पेड़ को वट वृक्ष के नाम से जाना जाता है। बरगद के पेड़ के विशेष उपाय करने से जीवन में चल रही हर प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही साथ इन उपायों को करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती, जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। और बरगद के पेड़ को हिंदू धर्म में पूजनीय माना जाता है। माना जाता है कि बरगद का जो वृक्ष होता है उसमें त्रिदेवों का वास होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश इस वृक्ष में वास करते हैं। बरगद का पेड़ लंबे समय तक अक्षय रहता है, इसीलिए इसे अक्षय वट भी कहते हैं। अक्षर आपने देखा होगा धार्मिक स्थानों पर, मंदिरों में, तीर्थ स्थलों पर वट वृक्ष अधिकतर आपको काफ़ी सारी जगह मिल जाता है, क्योंकि इसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। और वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन जो स्त्रियां होती हैं, वो महिलाएं अपने पति के लंबी आयु की कामना के लिए वट वृक्ष के पेड़ की पूजा करती हैं। इस उपाय से पूर्ण होंगी आपकी सभी कामनाएं। यदि आप अपनी कामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके जीवन से जुड़ी सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो, तो हर शाम को बरगद के पेड़ के नीचे आपको गौ घृत से निर्मित दीपक जलाकर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन में सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। बरगद के पेड़ में चारों ओर सूती धागा, कच्चा सूत जिसको कहते हैं, उसको वेष्टित किया जाता है। उसको लपेटकर बरगद के वृक्ष के गंध अक्षत पुष्प से पूजा करने से आपके जीवन से जुड़ी हर मनोकामना आपकी पूर्ण हो सकती है। शनिवार के दिन करें ये उपाय। शास्त्रों के अनुसार शनिवार के दिन बरगद के तने में हल्दी केसर आपको चढ़ाना चाहिए, ऐसा करने से कारोबार में मुनाफा होता है। वहीं शुक्रवार के दिन बरगद के पेड़ का एक साबुत पत्ता लेकर उस पर गीली हल्दी से, हल्दी में थोड़ा सा गंगाजल मिला करके उसको गीला करने के पश्चात आप स्वास्तिक बनाइए। फिर इस पत्ते को आप मंदिर में, जो आपका संस्थान दुकान का जो मंदिर है उस मंदिर में, या फिर घर की तिजोरी में आप इसको रख दें। इससे सभी प्रकार के आर्थिक समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा और विशेष रूप से आपका जीवन में धन धान्य की इससे वृद्धि होगी। इस उपाय से प्रसन्न होंगे हनुमान जी। अगर आप अपने जीवन में हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं तो बरगद के 108 साबुत हरे पत्ते ले। इन पत्तों पर लाल रंग की जो साई होती है, रोली में थोड़ा गंगाजल मिला करके उसको मिक्स करके 11 बार राम राम आप लिखें, और राम राम लिखने के पश्चात आप इन पत्तों की माला बना करके भगवान श्री बालाजी महाराज को अर्पित करें। ऐसा करने से आपके जीवन में आपको सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलेगी, ग्रह अधिक बाधा से आपके जीवन में आपको मुक्ति मिलेगी और अनेकों प्रकार के सुख शांति वैभव और समृद्धि का आपके जीवन में वास होगा। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी मनोकामना के साथ जय मां बगलाव की, जय श्री महाकाल।